नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम सारणिक मतलब कि डिटरमिनेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न जो राज्य बोर्ड में कुछ पिछले वर्षों में भी देखे जा चुके हैं और जो अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, हम उनको हल करेंगे यहाँ पे। जिसमें हमने पहला प्रश्न लिया है कि सारणिक का प्रयोग करके बिंदु 1.3 और 2.5 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। वैसे तो आप जानते ही हैं कि यदि हमें कोई दो बिंदु दे रखे हो तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आप y-y1 = y2-y1 / x2-x1 (x-x1) इस सूत्र से निकाल लेते हैं। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना। लेकिन हमें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि हमें ये जो समीकरण निकालनी है वो सारणिक का प्रयोग करके निकालनी है। तो सारणिक का प्रयोग करके समीकरण कैसे निकाली जाती है बताएंगे आप। आपको याद होगा कि कोई भी रेखा की समीकरण निकालने के लिए हम सारणिक का प्रयोग किस प्रकार से करते थे। हमें जो दो बिंदु दे रखे होते हैं वो बिंदु तो हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे 1.3 और 2.5। ठीक है, एक क्रमित युग्म में हमें एक्स वाई का चाहिए होता है, तो ये हमने लिख लिया एक्स वाई और यहाँ पे इसमें 1.1.1 लिखते हैं। तो सारणिक का प्रयोग करके रेखा की समीकरण हम इसी प्रकार से निकालते हैं और यहाँ पे बराबर में हमारे पास 0 होता है। तो अब हमारा काम ये रहेगा कि हम इस सारणिक को हल करें और एक समीकरण मिल जाएगी हमें एक्स वाई के पदों में। वही समीकरण क्या होगी, इस रेखा की समीकरण होगी। ठीक है, तो इस सारणिक को हल करके क्या मिलेगा, आप इसको पहली पंक्ति के अनुदिश विस्तार करेंगे तो ये होगा 1, फिर 5, 1, y, 1, ये एक सारणिक में आएगा, -3, 2, 1, x, 1 ये दूसरी सारणिक में आएगा, फिर प्लस का 1 और 2, 5, x, y ये एक सारणिक में आएगा और ये होगा बराबर 0। क्या किया अभी तक हमने, अभी तक हमने सारणिक का विस्तार किया है और इसको बराबर 0 रखा है। अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे और हमें एक समीकरण मिलेगी। तो चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं। इस वाली सारणिक को हल करके हमें मिलेगा 5 × 5 - y × y, इसको गुणा करेंगे 1 के साथ, -3, इनको गुणा करके मिलेगा 2 - x, +1, इनको गुणा करके मिलेगा 2y - 5x बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करते हैं तो आएगा 5 - y - 6 + 3x + 2y - 5x बराबर 0। राइट, अब यहाँ पे इसको और हल करके हमें मिलेगा 3x - 5x हो जाएगा -2x, -y + 2y होगा +y, 5 - 6 हो जाएगा -1 बराबर 0। आप इस समीकरण को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए 2x - y + 1 = 0। ये उस रेखा की समीकरण है जिसके हमें दो बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई दो निर्देशांक दिए हैं और उन दोनों निर्देशांकों से गुजरकर जाने वाली रेखा की समीकरण चाहिए सारणिक के रूप में, तो आपको क्या करना है, ये और ये इस प्रकार से इसके निर्देशांक रख देंगे और एक निर्देशांक आप एक्स वाई के रूप में रखेंगे और यहाँ पे तीसरे स्तंभ में 1, 1, 1 आ जाएगा, इसको बराबर 0 रखेंगे और इसको हल करके आपको ये रेखा की समीकरण मिल जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे अगला प्रश्न आया है, सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि ये वाला सारणिक इसके बराबर होगा। सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जिससे कि उनका प्रसार हमारे लिए आसान हो जाए, है ना, जिससे कि उनका प्रसार करना आसान हो जाए। आप जानते हैं कि किसी भी सारणिक में कोई भी आप संक्रिया लगाएं तो उससे उस सारणिक का मान नहीं बदलता, है ना। तो हमें ये कोशिश करनी है कि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा जीरो बना दे कोई संक्रिया लगा के, जिससे कि उसका प्रसार आसानी से हो सके। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में हम इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। किसी भी सारणी का प्रसार करने पर हमारी यही तो अप्रोच रहती है ना, कि वहां हम ज्यादा से ज्यादा अवयवों को जीरो बना दें, है ना। तो यहाँ इन दोनों को जीरो बनाने के लिए कौन सी संक्रिया लगाना सही होगा बताइए? क्या हम ऐसा करें, सी टू चेंज टू सी टू माइनस सी वन और सी थ्री चेंज टू सी थ्री माइनस सी वन, इससे ये दोनों जीरो बन जाएंगे ना। तो यहाँ हमें जो सारणिक मिलेगी इस संक्रिया को लगाने के बाद कैसी मिलेगी, ये होगा पहला स्तंभ तो ऐसा कैसा आएगा, वन ए ए क्यूब, फिर वन माइनस वन जीरो, बी माइनस ए और बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ऐसे ही यहाँ पे वन माइनस वन जीरो, सी माइनस ए और सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब हम इसमें एक संक्रिया और लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बी माइनस ए आ रहा है, यहाँ बी क्यूब माइनस ए क्यूब आ रहा है। इस वाले पूरे स्तंभ में से बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा और इस वाले पूरे स्तंभ में से सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। तो अब सारणिक कैसी बनेगी, ये हो जाएगा वन ए ए क्यूब, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये जीरो, बी माइनस ए कॉमन आ गया है तो यहाँ आएगा वन, और यहाँ से बी माइनस ए कॉमन आ गया है तो क्या बचा होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ऐसे यहाँ पे सी माइनस ए कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, जीरो वन और यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो अब इसको और हल करके आपको क्या मिलने वाला है जल्दी बताइए, जल्दी से इसको हल करिए। ये b माइनस से और c माइनस से एज इट इज आ जाएगा। इस सारणिक का प्रसार करेंगे पहली पंक्ति के सापेक्ष तो यहाँ पे आएगा वन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी और ये भी वन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ऐसा होगा। फिर इनको थोड़ा और हल करोगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए और इसको आप लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा ही आएगा। अब ये बताइए क्या यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कर सकते हैं। ये हमारे पास बी माइनस है जबकि होना क्या चाहिए ए माइनस बी, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने पर ये बनेगा ए माइनस बी और ये सी माइनस ए है, ये ठीक है। और जो हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था उसके अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का ए बी हो जाएगा प्लस का ए बी और ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ए सी। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों का एक साथ ले और इन दोनों को एक साथ ले तो क्या मिलेगा हमें, ये तो होगा ए माइनस बी, ये होगा सी माइनस ए और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा बी प्लस सी बी माइनस सी, है ना। और इन दोनों में से अगर ए कॉमन आ जाए तो यहाँ क्या बचेगा, बी माइनस सी, राइट। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी सी माइनस ए और इन दोनों में से बी माइनस सी कॉमन ले लिया तो ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, यही क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहां से आपने इस सारणिक का प्रसार किया कुछ गुणधर्मों की मदद से जिससे कि आपको यही पक्ष मिल गया, ठीक है। तो मुझे लगता है गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणिक का प्रसार करना आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको जो अरेंजमेंट करनी है वो इस तरीके से करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बना दे किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में, ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी संक्रिया लगानी पड़े और उसके बाद अगर कुछ कॉमन आ पा रहा है तो वो कॉमन लेके, मतलब सारणिक को छोटे से छोटा बना लो,
है ना, उसी कैलकुलेशन जब आप उसको प्रसार करोगे तो बहुत ही कम कैलकुलेशन वहां पे करने के लिए बचे आपके पास। तो इस प्रकार से आपको वहां पे गुणधर्म लगाने होंगे कि आपकी जो सारणी का प्रसार होगी वहां पे कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो हमने वहीं पे इन दो गुणधर्मों का प्रयोग किया, पहले हमने ये वाली संक्रिया लगा दी तो यहाँ पे ये जीरो बन गए, उसके बाद ये जो कॉमन आ सकता था कॉमन ले लिए दो फैक्टर्स, फिर देखिए यहाँ पे सारणी कितनी छोटी सी बन गई है ना, ये सारे जीरो वन सिंगल एलिमेंट्स बन गए। फिर इनका हमने प्रसार कर दिया और हमें यहाँ पे इसका दायां पक्ष मिल गया। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न देखकर मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे जानते हैं इस फॉर्मूला को। इस प्रश्न में एक आव्यूह दे रखा है इस प्रकार से, और यहाँ पे कहा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर a के सारणिक गुना i को सत्यापित कीजिए। यहाँ पे कहा है सत्यापित करने के लिए, तो सत्यापित करने के लिए आप जानते हैं यहाँ इसका बायां पक्ष अलग हल करेंगे आप और दायां पक्ष अलग हल करेंगे, और ये दोनों के मान अगर बराबर आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये सत्यापित हो गया है। सिंपल चीज है। अब बात उठती है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे कैसे, और वैसे आपको ये देखकर याद भी आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आपने क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए को आप भाग कर देते हैं उसके सारणिक से, तो ये आपको ए इनवर्स देता है, राइट, पढ़ा था ना ऐसा। यही सूत्र है ये भी, एक तरीके से आपको इस सूत्र को सत्यापित करना है इस सारणिक की मदद से। तो यहाँ आपका सबसे पहला काम रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो बताइए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एक ऐसा सारणिक होगा जो कि ए के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त होगा, वही होगा ना एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ हमारा सबसे पहला काम यह रहेगा कि हम एक ए के सहखंडों का एक आव्यूह बनाए, राइट। तो ए के सहखंडों का आव्यूह बनाने के लिए हमें इसके सहखंड भी निकालने होंगे। तो सहखंड कैसे निकालते हैं, सहखंडों को कैपिटल ए से निरूपित करते हैं, और इसका काम होता है कि माइनस वन, और जैसे यहाँ पे वन वन है तो यहाँ पे वन प्लस वन हो जाता है, और यहाँ पे एम वन वन, एम क्या होता है इसका उपसारणिक होते हैं, है ना। तो यहाँ एक एक की बात की गई है, तो इस वाले पोजीशन का उपसारणिक क्या होगा, इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति को छोड़कर जितने भी अवयव होंगे वो सारे एक सारणिक में आ जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक की घात दो। और इस वाले अवयव, क्योंकि इस पोजीशन की बात कर रहे हैं ना हम, इस वाले अवयव का सहखंड निकाल रहे हैं, तो वन वाले मतलब इस पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़कर जितने भी अवयव बच रहे हैं वो सारे एक सारणिक में लिख लेंगे। तो वन जीरो वन थ्री ये बच रहा है, इसको हमने एक सारणिक में लिख लिया, तो इसको हल करके क्या मिलेगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस जीरो बराबर थ्री। ये अभी पहला सहखंड आया है। अब दूसरा मतलब कि ए वन टू, मतलब इस वाली पोजीशन की हम बात कर रहे हैं अब, तो इस वाली पोजीशन के लिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस वन की घात वन प्लस टू, और यहाँ पे एम वन टू, तो ये हो जाएगा माइनस एक, क्योंकि माइनस एक की घात तीन कितना हो जाएगा माइनस का एक, और वन टू के लिए इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़कर जितने अवयव हैं वो एक सारणिक में लिख देंगे, फाइव जीरो जीरो थ्री बराबर ये हो जाएगा माइनस फिफ्टीन, तो माइनस फिफ्टीन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिफ्टीन माइनस जीरो हो जाएगा ना फिफ्टीन, तो ये आया माइनस का फिफ्टीन। इसी तरीके से आप बाकी के सहखंड में निकालेंगे ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू, तो ये सारे सहखंड निकालकर आपको ये सारे मान मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन सारे मानों की मदद से हम इसके सहखंडों से बना एक आव्यूह बना देंगे जिसे हम आव्यूह बी द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो आव्यूह बी क्या आएगा, ये हो जाएगा थ्री माइनस फिफ्टीन फाइव माइनस वन सिक्स माइनस टू वन माइनस फाइव और टू। ठीक है, तो ये जो आव्यूह बी है ये क्या है, ये सहखंडों से बना आव्यूह है। कौन सा, ये आव्यूह बी सहखंडों से बना आव्यूह है, और हमें क्या निकालना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त, मतलब कि बी का परिवर्त। तो यहाँ पे हम बी का परिवर्त करके एक आव्यूह बनाएंगे, तो क्या आएगी, बी के परिवर्त का मतलब पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल देंगे, तो ये हमें आव्यूह मिलेगी थ्री माइनस फिफ्टीन फाइव माइनस वन सिक्स माइनस टू वन माइनस फाइव और टू। तो ये हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ ए का मान। अब हमारा काम होगा एडजॉइंट ऑफ ए से ए को गुणा करना। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ए और एडजॉइंट ऑफ ए को गुणा करके या इसका बायां पक्ष हल करने वाले हैं। इसको गुणा करके क्या मिलेगा बताइए। गुणा करना तो आप सबको बहुत अच्छे से आता है, तो जल्दी से इसको गुणा करके बताइए क्या मिलेगा। 3 2 6 प्लस 0 माइनस 5, 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, 5 इज अ 15 माइनस 15 0 प्लस 0 0, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 0 तो यहाँ आएगा प्लस का 1, 5 माइनस 5 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0, 0 माइनस 15 प्लस 15 0, 0 प्लस 6 माइनस 6 ये भी 0, और 0 माइनस 5 प्लस 6 तो ये आएगा प्लस का 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, ये एक तत्समकावयव बन रही है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो है ना, वो ए के सारणिक गुणा उसके तत्समक अवयव के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से ये हिंट मिला है कि जब आप ए का सारणिक निकालेंगे तो इसका मान आपको एक के बराबर मिल रहा होगा। अगर मॉड ए एक के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि ए का सारणिक क्या आएगा। हम यहाँ निकालेंगे ए का सारणिक, मतलब कि 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा सकते हैं जिससे कि इसकी गणना थोड़ी सी आसान हो जाए। ये वाली पंक्ति देखिए, इस वाली पंक्ति में यहाँ पे दो जगह ना 1 आ रहा है। ठीक है, ये वाला स्तंभ देखिए, स्तंभ 2, इसमें ना दो जगह 1 आ रहा है, तो हम इसी के अनुरूप इसको इसका प्रसार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक संक्रिया लगाएंगे R3 चेंज टू R3 माइनस R2 की, जिससे कि यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाए और फिर हमारी जो ये सारणिक है ये आसानी से हल हो जाए। ये हो जाएगा 2 0 माइनस 1 5 1 0, ये तो सेम रहेगा। तीसरी पंक्ति बदलेगी, 0 माइनस 5 माइनस 5, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3 ये आएगा। अब इसका प्रसार करेंगे दूसरे स्तंभ के सापेक्ष, तो इसका प्रसार करके आपको मिलेगा, हम इसका दूसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 0 है, सिर्फ 1 के सापेक्ष होगा। कौन कौन से अवयव आएंगे, 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3, राइट। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ए के सारणिक का मान 1 आया है, 1 से आप किसी भी तत्समक अवयव को गुणा करेंगे वही मिल जाएगा। तो मतलब अगर सारणिक ए से आपने आई को गुणा किया तो आपको आई ही मिलेगा, और किस कोटि का आई मिलेगा, 3 क्रॉस 3 कोटि का, यही तो मिलेगा, राइट। और हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a भी यही आया था, तो दोनों मान कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो हो गया ना सत्यापित, अतः a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू मॉड a इंटू आई। ठीक है, ये प्रश्न हल करके बताइए जिसमें दो सारणिक आपस में बराबर दी है और यहाँ पे x का मान निकालना है। ये बताइए क्या इसमें हम इसके संगत अवयवों की तुलना करेंगे, ऐसा कहना सही होगा, नहीं ना। ऐसे तो फिर यहाँ पे x का मान 2 आ जाएगा और इस हिसाब से x का मान 4 आ जाएगा, क्या ये सही है, नहीं। ये है सारणिक, और जहां पे हम संगत अवयवों की तुलना करते थे वो होता था अवयव। अवयव समान तब होते हैं जब उसके संगत अवयव बराबर होते हैं, और अगर ये सारणिक समान दे रखी है इसका मतलब पहले हमें इस सारणिक को हल करना होगा, इसका प्रसार करके इसका मान निकालना होगा, और उसके बाद हमें इसकी तुलना करनी होगी। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये बराबर होगा 3 माइनस 8 के, 4 2 8। तो इसको हल करके आपको x का मान मिलने वाला है, ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मान 8 के बराबर। ठीक है, तो यहां से x का मान क्या मिलेगा आपको, x बराबर प्लस माइनस रूट 8 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट 8 मतलब आप प्लस माइनस 2√2 भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान आया प्लस माइनस 2√2,
इस प्रकार के प्रश्नों में कोई मुश्किल तो नहीं होते ये प्रश्न, लेकिन गलती ये होती है कि बच्चे इसको अवयव समझ के हल कर देते हैं। अवयव समझ के इसके संगत अवयवों की तुलना कर देंगे और फिर इसमें x के मान दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। सारणिक और अवयव में फर्क होता है, आपको पता है ना सारणिक क्या होती है? सारणिक अवयव का एक वास्तविक मान होती है ना? तो दोनों चीज अलग अलग है, दोनों को मर्ज नहीं करना आपको, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना आपको। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपको ये दी गई सारणिक को हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे मजेदार चीज क्या रहती है, अगर आपको ना प्रूफ करने के लिए दिया जाता है तो आंसर आपके पास होता है ना, और आपको पता है कि इसको हल करके हमें यही फॉर्म लेके आनी है, लेकिन यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने में आप इसको हल तो कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा अपना आंसर कहीं पे छोड़ दे, कोई बच्चा अपना आंसर कहीं पे छोड़ दे, तो उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आंसर बस कैलकुलेशन ठीक करके कहीं भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि हम इस सारणिक की बात कर रहे हैं, इसको हल करने के लिए सारणिक का आसान तरीका हम अपनाएंगे। आसान तरीका मतलब यहाँ पे सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे जिससे कि इसका प्रसार आसानी से हो जाए, है ना? तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे ना तीनों स्तंभों को जोड़ देना चाहिए, मतलब C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना चाहिए, उससे ना कुछ कॉमन आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो कुछ कॉमन आएगा, क्योंकि तीनों ही स्तंभों में एक x प्लस वाई आ रहा है, एक x आ रहा है और एक y आ रहा है ना? तो तीनों को जोड़ने पर कुछ कॉमन आ जाएगा, तो ये सारणी थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सारणी का आपके पास क्या आएगी, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो इसको ऐसा लिखेंगे प्लस x प्लस वाई, है ना, और ये y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, और ये x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसा कैसा आ जाएगा? और ये दोनों स्तंभ हम ऐसे कैसे लिख देंगे? पहला होगा y x प्लस वाई और x, और दूसरा स्तंभ x प्लस वाई एक्स और y, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरा जो बन रहा है, ये देखिए 2x प्लस 2y, 2y प्लस 2x, 2x प्लस 2y, ऐसे बनेगा। तो यहां से हम 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई कॉमन ले लें, इधर से 2x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, तो सारणिक में क्या बचेगा हमारे पास? यहां से 2x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1, 1, 1, और ये एज इट इज आ जाएंगे y, x प्लस वाई और x, और ये भी एज इट इज आ जाएंगे x प्लस वाई एक्स और y, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इस सारणिक का प्रसार करना है। आप जानते हैं सारणिक का प्रसार करने से पहले हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने चाहिए जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हम यहाँ पे संक्रिया लगा सकते हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 और R3 चेंज टू R3 माइनस R1। ये दोनों संक्रिया हम एक साथ लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बाहर था, पहली पंक्ति में कोई संक्रिया नहीं लग रही है, तो पहली पंक्ति तो ऐसी की ऐसी लिख देंगे, ये हो जाएगा 1y और x प्लस वाई, है ना। दूसरी पंक्ति में क्या होगा, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 जीरो, x प्लस वाई माइनस वाई कितना आ जाएगा x, और x माइनस एक्स प्लस वाई, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y, राइट। ऐसे यहाँ पे करेंगे R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 जीरो, ये हो जाएगा x माइनस y, और ये होगा y माइनस x प्लस वाई, तो y से y कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस का x, क्लियर। अब इस सारणी का हम प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, और यहाँ पे इस वाले स्तंभ के सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इंटू माइनस एक्स, हो जाएगा माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस वाई मतलब कि प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इस प्रकार से आ जाएगा। इसको और हल करेंगे तो ये 2x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई,
क्या आपको ये किसी का सूत्र लग रहा है? एक्स प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई किसी का सूत्र लग रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ना, तो ये बराबर होगा माइनस टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यह आया इसका उत्तर। ठीक है, इस सारणिक को हल करके आपको क्या मिलेगा? माइनस टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अगर आप अपना उत्तर यहां भी छोड़े तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका सूत्र याद आ जाता है तो थोड़ा सा चीजों को अच्छे से सजा के लिखने में कुछ मजा ही अलग होता है ना। तो जैसे किसी को देखने में भी अच्छा लगे वैसे आप अपना आंसर छोड़ेंगे तो वो अच्छी हैबिट है आपकी।